गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में सभी को फलों के राजा आम की याद आने लगती है। आम का नाम सुनते ही आपके मुंह में भी पानी जरूर आया होगा। आम अमूमन बाजारों में 50 से 100 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा आम जो अब आम ही नहीं रहा, आम अमीरों के भी पसीने छुटा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम आपको कह दें कि आम को खाने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत देनी होगी, तो ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आपने सही सुना, दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसे आम की खेती की जा रही है जिस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपये है। दरअसल ये आम जापान में उगने वाला तमागो आम है, जिसे भारत में जबलपुर के अलावा और कहीं नहीं उगाया जा रहा है। आपको अगर आमों की बात बताएं तो आम भारत में भी कई किस्म के होते हैं। हापुस आम, लंगड़ा आम, तोतापरी आम, दशहरी आम, देसी आम। तो वहीं भारत में जो सबसे ज़्यादा कीमत में मिलने वाला आम है वो है हापुस आम। हापुस आम की भारत में सबसे ज़्यादा कीमत अदा करनी होती है। भारत में कई किस्म के आम है, इसीलिए तो विदेशों में भी भारत के आम की चर्चा होती है। लेकिन अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे महंगा मिलने वाला आम है जापान का तमागो आम। दरअसल तमागो आम को जापानी भाषा में ताइयो नो तमागो भी कहा जाता है। ये आपको अमूमन बाजारों में नहीं मिलेगा, बाजारों में फलों की दुकानों पर यह आम नज़र नहीं आता है। इस आम की बोली लगती है, नीलामी में जो सबसे ज़्यादा कीमत दे देता है उसके हाथ ये फलों का राजा आम लग जाता है। ये भी जान लीजिए कि इस आम को 2017 में 2 आम की कीमत 2,72,000 रुपये अदा की गई थी। इस आम का वजन है 350 ग्राम, यानी कि 1 किलो से कम कीमत वाला आम के लिए लगभग 2,72,000 रुपये अदा किए गए थे। तमागो आम अब एमपी की संस्कारधानी जबलपुर में उगाया जा रहा है। जबलपुर के चरगवा में रहने वाले संकल्प परिहार इस आम को अपने बगीचों में उगा रहे हैं। संकल्प परिहार ने अपने 4 एकड़ के बगीचे में 14 अलग अलग किस्म के आमों को लगाया है और इसके अलावा तमागो आम के 52 पेड़ लगाए हैं। संकल्प परिहार ने कहा कि हम 3 साल से तमागो आम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आम की खेती जबलपुर में होने से जबलपुर की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। इस आम को उगाना इतना आसान नहीं है, इसे लगाने के बाद इसके पेड़ पर बहुत ही कम फल आते हैं। संकल्प परिहार ने कहा कि रात के समय मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जाग कर इस बगीचे की रखवाली करते हैं। संकल्प परिहार का कहना है कि जब से उनके बगीचों में ये आम की खेती होने लगी है, तब से चोरों की पैनी नज़र भी उनके बगीचे की तरफ रहती है। आपको बता दें कि ये आम मिठास के साथ साथ इस आम में अनानास और नारियल का स्वाद भी पाया जाता है। इस आम की खेती कैसे होती है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इस आम की खेती करने का भी तरीका खास और कुछ हटकर है, क्योंकि कीमत भी कुछ हटकर ही है। दरअसल जब ये आम पेड़ों पर लगने लगते हैं तो एक एक आम को, अलग अलग आम को जालीदार कपड़े से अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है। इस फल को इस तरीके से बांधा जाता है ताकि पूरे फल पर धूप लगे और जो जाली वाला हिस्सा है वो रह जाए, जिससे आम की रंगत भी कुछ अलग ही निखर कर आती है। जब आम पकने लगते हैं तो उसे तोड़ा नहीं जाता, बल्कि आम खुद पक कर जाली में लटक कर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद इन आमों को उस जाली से निकाल लिया जाता है। आपको बता दें कि जापानी जो किसान हैं उनका मानना है कि आम को किसान तोड़ता नहीं हाथ से, अगर ऐसा करे, हाथ से खुद आम को तोड़े तो उसकी पौष्टिकता और उसका स्वाद जो है वो नहीं बन पाता, स्वाद बिगड़ जाता है। और ऐसा है भी, दरअसल इनका स्वाद भी कुछ हटकर ही होता है। आपको बता दें कि ये जो आम है उसकी कीमत भी कुछ अलग है, क्योंकि इसे उगाने का तरीका थोड़ा कठिन है। जबलपुर में उगाए जा रहे अब इस आम की ख्याति देश नहीं बल्कि विश्व भर में फैल चुकी है, लेकिन अभी तक उद्यानिक विभाग की नज़र इस आम पर नहीं गई है। अगर उद्यानिक विभाग संकल्प परिहार के बगीचे में उगाए गए आम पर ध्यान दे तो बाकी किसान भी ऐसी खेती कर, जापानी आम की खेती कर लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको आम कितने पसंद है, ये भी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।